नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये मैंने GoPro 10 परचेज़ किया था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ इसके अनबॉक्सिंग वगैरह कर लूँ। इसके साथ मैंने ये एक स्टिक मैंने ली थी जिसके ऊपर ये लगाना है, GoPro 10 सेल्फी स्टिक है, एक ये चीज़ मैंने ली है। एक मैंने एक्स्ट्रा बैटरी मैंने परचेज़ किया, एव प्लस जो बैटरी इसके साथ GoPro 10 के साथ जो आती है ना, वो वाली मैंने परचेज़ की है। वो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा ये मैंने 128 GB का एक मेमोरी कार्ड लिया है जो ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसकी स्क्रीन प्रोटेक्टर है, उसके लिए मैंने ये स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके लगाया फ्रंट बैक जो स्क्रीन है उसके ऊपर, और जो फ्रंट जो इसका जो मिरर है उसके ऊपर ये मैंने लगाया। इसके अलावा ये चार्जर है जो इसको बैटरी को निकाल के इसमें बैटरी में चार्ज करके किसी भी जो मोबाइल चार्जर है उसके साथ ये चार्ज हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चार्जर्स के साथ ही, पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको हम निकालते हैं। ये इसका ये चार्जर है, इसमें दो बैटरियाँ लग जाती हैं, दो बैटरियाँ आसानी से लग जाती हैं। और ये इसके साथ देखते हैं और क्या चीज़ है हमारे पास। इसके सामने ये इसकी डाटा केबल है जो किसी भी मोबाइल के अंदर ये लग के, और ये इसमें ना इस चार्जर में एक चीज़ है, ये एंड्रॉयड केबल है, ये एंड्रॉयड केबल भी लग सकती है, और ये सी टाइप जो केबल है वो उस पर उससे भी ये ना चार्ज हो सकता है। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड केबल है, अगर वो नहीं है तो आप इसको बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास सी टाइप केबल भी है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसमें ना दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये हम इसको साइड पे कर देते हैं। इसके ये हम जो बैटरी हमने परचेज़ की थी उसको, ये बैटरी है चार्जेबल, और ये 1720 AMAH की बैटरी है, और ये GoPro की, ये अपने GoPro 9 और 10 दोनों के लिए सेम ही बैटरी इस्तेमाल होती है। तो इसको हम ये खोल लेते हैं, इसमें हाँ ये एक इसका पेपर वर्क है, इसका पेपर वर्क है जो इसमें लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स वगैरह इसमें लिखे हैं। ये वो बैटरी है, ये हमने वो जो बैटरी निकाल ली है, ये GoPro, ये छोटी सी बैटरी है, ये 1720 mAh की बैटरी है जो इसमें ये चार्जर के अंदर आराम से लग के इस तरह करके इसको लगा के, और ये एंड्रॉयड केबल जो है इसकी, फ़िलहाल तो ये इसके साथ एंड्रॉयड केबल ही आई है, तो हम इसको इस तरह लगा के, हम ये लगाने के बाद ये किसी भी मोबाइल चार्जर के साथ हम इसको लगा के तो इसको ना वो चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो की ऑप्शन है, वैसे तीन वाले भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये दो वाले ही परचेज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक तो मेरे इस कैमरे के अंदर ही है बैटरी, और मैंने एक एक्स्ट्रा परचेज़ किया ताकि दोनों बैटरियाँ आराम से ना वो इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये दिखा देते हैं आपको, ये हमने जो सेल्फ़ी स्टिक हमने परचेज़ की थी, ये सेल्फ़ी स्टिक है, ये मैंने परचेज़ की है सेल्फ़ी स्टिक है, ताकि इसके ऊपर हम अपना जो ये इसके साथ इसका कवर है अच्छा है, पैराशूट वाला कवर है, ये वो यहाँ पे वो GoPro लग जाता है, और ये एक्स्ट्रा हमें इसके साथ मिला है क्योंकि मोबाइल को भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, मोबाइल को भी इसे अटैच करके तो हम इसके साथ वो, अगर हम GoPro नहीं लगाना चाहते तो हम मोबाइल को इसके साथ अटैच करके और मोबाइल के साथ भी इसकी वीडियोज़ वगैरह हम ना वो बना सकते हैं। तो इसमें ये देखें, ये करके ये इस तरह एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा, इसको एंटी क्लॉक इसको हम रोटेट करेंगे तो ये बाहर हो जाता है, बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद जैसे हम इसको थोड़ा सा क्लॉक वाइज इसको बंद करते हैं तो ये ना लॉक हो जाता है, और ये इस तरह करके हम अपनी सेल्फ़ी बना सकते हैं। सेल्फ़ी को भी वीडियोज़ हम आउटडोर रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम इस तरह करके ना इसको बना सकते हैं, और ये यहाँ पर ना GoPro लग जाता है। चलिए अब हम इसको GoPro की भी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और फिर इसको GoPro को जो हम इसके ऊपर लगा के ऑन करके तो इसकी वीडियो बना लेते हैं, ताकि वो पता चल जाए कि किस तरह यानी कि होता है। तो ये मैंने अलग से लिए हैं, ये GoPro मुझे अलग मैंने परचेज़ किया है,
और ये मैंने जो सर्विस स्टिक है मैंने अलग से परचेज़ किया है, बैटरी मैंने अलग से परचेज़ किया है, ये मेमोरी कार्ड मैंने अलग से परचेज़ किया है, उसके अंदर उसके साथ नहीं मिल के आता, ठीक है। अपने जो गोप्रो के सेफ्टी के लिए जो प्रोटेक्टर, जैसे मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर वगैरह लगाते हैं, इसी तरह मैंने ये प्रोटेक्टर जो अच्छे वाले जो प्रोटेक्टर्स हैं वो मैंने उसके ऊपर लगा लिए हैं। तो चलिए हम अब गोप्रो की हम इसकी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ऑलरेडी जहाँ से मैंने शॉप से मैंने लिया था वो उसके जो इंशाल्लाह वो मैंने उस ऑलरेडी मैंने पहले भी जो ना वो DSLR कैमरा भी इसी से मैंने लिया था, ये सोनी का A6400 जो ना मिररलेस कैमरा उसी से लिया, उसी से मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो वो उनकी बहुत अच्छी डीलिंग है, बड़े मुनासिब रेट्स वगैरह हैं, तो आप भी कोई भी चीज़ लेनी हो तो आप उनसे ले लीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस और टेलीफोन नंबर उनका ना वो ऐड कर दूंगा, तो आपने कोई भी चीज़ लेनी होगी तो आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट की निस्बत रोड लाहौर से मैंने परचेज़ किया था, तो आप मार्केट से देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला मार्केट से बहुत आपको अच्छे प्राइसेस आपको ना मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ लेनी हो तो आपको वहाँ से ना आसानी से ले लें। ये हमने इसको बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया, चले हम इसको ना थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, इसको साइड पे कर दें। ये बॉक्स है GoPro का, ये लिखा हुआ है ये GoPro, ठीक है। ये GoPro मेरा ऑलरेडी मैं जो व्लॉग अपने बना रहा था वो इंडोर ही मेरे ज़्यादातर बन रहे थे, मेरे DSLR कैमरे के साथ ही मैं बना रहा था, तो मैंने कहा कि अपना जो YouTube मेरा चैनल है उसको मैं प्रमोट करने के लिए कि आउटडोर जो है ना वो है, आप DSLR कैमरा चूंकि हैवी है आप उसको लेकर डिस्प्ले अपना जाके बाहर आउटडोर जाके वीडियोस वगैरह बनाना वो मुनासिब नहीं लगता, ऑकवर्ड सा लगता है, इतना बड़ा कैमरा आप उठाए अब बाहर जाके वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं तो मुनासिब नहीं लगता। तो उस वजह से मैंने फिर सोचा कि भाई जो चूँकि ऑलरेडी और आउटडोर भी मैंने बनाने का सोच रहा था तो मोबाइल से इतनी अच्छी वीडियोस वगैरह नहीं बनती, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि GoPro 10 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो मार्केट के अंदर, तो उस वजह से जो है ना मैंने ये फिर वो GoPro 10 परचेज़ कर लिया। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों ने देखी होगी, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी अच्छी लगी है। तो ये इसको हमने अनबॉक्स वगैरह कर दिया है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो और इसके साथ ये इसकी डाटा केबल है जो सी टाइप इसकी, इसको खोल लेते हैं हम इसको ताकि आप इसको जो मोबाइल को बैटरी उसके अंदर ही लगी है तो आप उसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, किसी भी वो एंड्रॉयड जो मोबाइल का जो चार्जर है, कोई भी मोबाइल चार्जर है फास्ट चार्जर, उसके साथ आप इसको आराम से इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इसकी ओरिजिनल बैटरी है GoPro की, वही 1720 AMAH की बैटरी है, ओरिजिनल इसकी बैटरी है, ये इसकी बैटरी आ गई। और इसके साथ ये आ गया कभी इसको जैकेट वगैरह इसके, ये इसके पिन वगैरह इसको लगाने के लिए उसके साथ स्टिक सेल्फी स्टिक के साथ लगाने के लिए है। और सबसे आखिर में हम अपना ये GoPro 10, ये छोटा सा है और बड़ा खूबसूरत है और जो जिसका फंक्शंस वगैरह बहुत आउट क्लास है, ये इसको हम पेपर इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, ये है GoPro 10 जो लाइट वेट है, आराम से हम स्टिक के ऊपर लगा के, ये देखें ये इसके ना होल्डर्स हैं पीछे, ये बैक पे ये इसके होल्डर्स हैं, इसको ये होल्डर लगा के इसके जो है इस तरह लगा के हम ये आखिर में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह ये लगता है, अभी तो सिर्फ जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह करके तो हम इसको लगा सकते हैं। तो इसके साथ ये इसकी ये बैटरी इसकी यहाँ पर लग जाती है, ये बैटरी निकाल देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा पुश करके, ये बैटरी की जगह बैटरी हो इंसर्ट नहीं मैंने की हुई, अभी इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो मेमोरी कार्ड है ये इसमें 128 GB का, ये शायद का आप लोगों को नज़र आएगा, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ना इसमें ना इंस्टॉल कर दिया हुआ है, तो मेमोरी कार्ड तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। जो बैटरी है ये बैटरी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
इसमें बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ये 4K तो बनाते ही बनाते ये 5.3K तक की जो ना वीडियोस अपलोड कर देता है, ये बना देता है ना, और इसमें स्लो मोशन भी है, स्लो मोशन के साथ भी आप वीडियो बना लेते हैं। ये इसको हमने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। उसके बाद ये इसका पावर का बटन है, ये इसका पावर का बटन है, इसको पावर को। अच्छा, इसमें यह है कि भाई आप सेल्फी अगर बनानी है तो ये सामने से छोटी एक स्क्रीन है कि आपको फ्रंट से भी नज़र आए कि भाई जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी उसके प्रॉपर तरीके से वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, और बैक साइड पे तो ऑलरेडी ये स्क्रीन बड़ी वाली स्क्रीन है। तो अगर आप दूर यानी किसी और की वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, अपना व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो आप आसानी से आप ये अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर आप देख के तो अपनी वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसी वीडियो बन रही है। अच्छा, इसको हम ना ये पावर का बटन है, इसको हम ये ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा दबा के रखेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए, एक बीप आती है, टी टी करके बीप आती है, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। ये नाज़रीन ये देखिए, ये फ्रंट पे भी ये आपको नज़र आ रहा है और ये बैक साइड पे भी इसकी स्क्रीन पे ये नज़र आ गया, ये ऑन हो गई है। और इसको जो अभी जो मैंने इसको बैटरी ऑलरेडी चार्ज की हुई है, तो ऑलरेडी इसको ना वो अपडेटेड है इसको ना, तो इसके बाद इसके साथ ये है कि भी हमने इसको आराम से इसको ना हम वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। ये इसकी वीडियोज़ है इसके, और मज़े की बात है कि इसके ऑलरेडी मैंने एक आउटडोर मैंने वीडियो बना ली है, 14 अगस्त के दिन मैंने पहले आउटडोर मैंने वीडियो बनाई, उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप लोग देखी गई इसको यूट्यूब के ऊपर, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट बना हुआ है। 4K के अंदर मैंने इसको बनाया था और बहुत अच्छा उसका ना रिज़ल्ट आया है। तो अब इसको जो है हम ना इसको स्टिक के ऊपर लगा लेते हैं, ये इसका ये इसको हम अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद ये जो है ना इसको हम इस तरह करके जो है ये इस तरह लगा के इस तरह, और इसको जो है हम इसको हम इस तरह करके लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपने अब आपने चूँकि सेल्फ़ी बनानी है तो सेल्फ़ी बनानी है तो इसको थोड़ा सा आप ये रोटेट कर ले, सर रोटेट करके तो आप आसानी से जो है ना ये इस तरह करके वीडियोस बना सकते हैं कि भाई कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अपनी अपनी अगर सेल्फ़ी के तौर पे आपने वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है तो आप आसानी से इस तरह करके वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने यानी कि जस्ट अपनी सेल्फ़ी के वीडियो नहीं बनानी, वैसे आप व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप कैमरे को ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर ले, ऐसे सीधा कर ले, इसको नीचे इसको डाउन कर ले, इसको इस तरह डाउन कर ले। अगर इतना भी सिर्फ अगर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे रख के लॉक करके अब आसानी से इस तरह करके वो वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, ये इस तरह करके ना वीडियो बना। अगर आप समझते हैं कि ये भी स्टिक ज़्यादा बढ़िया, इसको थोड़ा सा इसको और डाउन कर दें, मिनिमाइज़ कर दें इस पर, यह आप इस तरह करके तो आप ये इस तरह करके आसानी से जो है ना वो वीडियो वगैरह बना सकते हैं। ये इसमें स्टेबलाइजर OIS इसके अंदर वो लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। तो इसमें है कि भी आप जब ये वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें कि वीडियो जो है अमूमन जो मोबाइल्स वगैरह पे हम बनाते हैं तो वो वीडियो अगर आप वॉक कर रहे हैं या भाग रहे हैं तो ये वीडियो ना हिलती है। तो इसमें ये जो चीज़ें लगी हुई है OIS लगी हुई है, तो इसमें यह कि भी आप जिस तरह मर्जी आप वो भागे चलें आपकी वीडियो ना बिल्कुल स्टेबल बनेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियरली वो बनेगी इस पर ना, कोई उसमें शेक है हैंड शेक अगर आपका होता है लेकिन वीडियो आपकी स्टिल वो बनती रहेगी। तो बड़ी अच्छा इसका व्यू है, तो मैंने कहा था कि एक ये मैंने परचेज़ किया है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। यह अगर हम 4K में बनाते हैं तो मैंने जो अपना एक इसमें जो प्रैक्टिस इसमें की है, जो इसका जो वीडियो टेस्ट मैंने किया है, तो 40 मिनट्स तक जो ना ये 4K ये इसकी बन जाती है, और HD के अंदर तकरीबन 1 आवर की ने ये वीडियो बना लेता है। उसके बाद ये हीटअप भी हो जाता है, इसमें मैंने वो कंफर्म किया था कि भी वो सारे जितने भी ये GoPro वगैरह आते हैं तो इसमें वो हीटअप वगैरह हो जाते हैं। तो इसमें जितने भी ये ब्लॉगर्स वगैरह हैं, यूट्यूब वाले जितने भी हैं, तो ये सारे ही यही इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा भी यही प्लान था कि भाई मैं भी अपनी जो वीडियोज़ की जो मैं बनाऊँ तो आउटडोर जाके वीडियोज़ मैं बनाऊँ, इनडोर की तो ऑलरेडी मैं बना ही रहा हूँ, तो चलो मैंने कहा ये आउटडोर की ही भी मैं ना ये वीडियोज़ वगैरह मैं बनाऊँ और वो भी मैं बना के अपलोड करूँ।
तो अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो आप लोगों से मौजूदा गुजारिश है, तो आप हमारा ये चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों को आगे तरगीब भी दें कि भाई अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल है तो इसको ना सब्सक्राइब वगैरह कर लें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। दुआ में याद रखिएगा अगली वीडियो तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।